हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू द माय चैनल। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट किया वैसे ही मेरा पेट मेरे बिल्कुल पैरों के पास आके बैठ गया है। ये देखिए, ये है सुजिका। सुजिका दूर चलो। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से बात करूंगी बहुत ही खूबसूरत पान जो हर घरों में अक्सर पाया जाता है और इसकी देसी वैरायटी हर जगह देखने को मिलती है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और क्या कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटियां भी आती हैं, कई तरह के मनी प्लांट आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपका देसी वैरायटी का है जो आपको मोस्टली घरों में देखने को मिल जाता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए या पॉट में लगाइए, मतलब जैसे आपको मर्जी हो आप लगाइए। और ये बहुत ही सुंदर और लगने वाला, सालों साल चलने वाला प्लांट होता है। तो मेरे पास इसकी 3-4 वैरायटी है, वही मैं आपको दिखाऊंगी और इसकी कुछ टिप्स और केयर के बारे में जानकारी दूंगी और ऐसे टिप्स बताऊंगी जो मतलब आप इसके कैसे जो प्लांट इसका मनी प्लांट के पत्तों को बड़े कैसे कर सकते हैं कि वो सारी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर ये सीक्रेट आपको भी जानना है, तो वीडियो में बने रहें। तो ये मेरा पहला प्लांट है, ये इसको बोलते हैं इंजॉय पोथोस। मनी प्लांट को पोथोस भी बोलते हैं। तो ये मेरा इंजॉय पोथोस है और ये देखिए इसका वेरिएशन देखिए कितना बेहतरीन लगता है। और ये मैं एक प्लांट लेके आई थी नर्सरी से जो कि मुझे 150 का दिया था और उसी एक प्लांट से मैंने कई प्लांट्स बनाए हुए हैं। क्यों, इसका जो मैं बेबी प्लांट लाई थी वो ये प्लांट था और मैंने इसको रिपोर्ट इसमें किया था। और उसके बाद में मैंने, देखिए मैं आपको एक और टिप्स दूंगी कि अगर आपकी कटिंग, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ इतने जल्दी नहीं होती, टाइम टेकन है। और तो मैं बताऊंगी कि इसकी कटिंग आप ऐसे लगाएंगे जैसे मैं बताऊंगी तो वो कभी ख़राब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये तो मेरा अभी देखिए 10-15 दिन हो गया मुझे लग रहा है इसको रिपोर्ट किए हुए। रिपोर्ट क्या, मैंने कटिंग लगाई है और ये चल गई है अच्छे से। तो मेरे कटिंग लगाने का तरीके ये होते हैं, तो जैसे ये मैं मदर प्लांट था तो इसकी जैसे कि ये टहनी बढ़ रही थी, इसके जो एरियल रूट्स होते हैं आप इसी को इसी के बगल में कोई पॉट रख के और इसको मिट्टी में दबा दीजिए तो ये एरियल रूट्स का डेवलप हो जाती हैं और आपका प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है। जब वो अच्छे से ग्रो कर जाए तो आप उसको कट करके अलग कर दीजिए। देखिए मैंने ऐसे किया, जैसे कि ये है, देखिए ये दोनों पॉट साथ में इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि मैंने इसके साथ यही किया है। इसमें से निकला ये टहनी बड़ी और मैंने इसको यहाँ मिट्टी में दबा दिया और ये देखिए दबाने से हुआ ये यहाँ से ग्रो कर गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से कट करूँगी। तो ये मेरा 3 प्लांट तैयार हो गए बहुत ही जल्दी। ये मुझसे किसी ने मांगा है इसीलिए मैं इसकी कटिंग्स तैयार कर रही हूँ और कोई रीज़न नहीं है, और आप लोगों को बताने के लिए भी मैंने ऐसा किया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये टिप्स कैसी लगी आपको। इसकी दूसरी वैरायटी है नियॉन पोथोस। ये है नियॉन पोथोस और इसका कलर देखिए इतना, इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, वैसे तो इसकी लीव्स एकदम ग्रीन ग्रीन सी होती हैं और फिर जाके ये ऐसी नियॉन येलो लेमन ग्रीन टाइप में हो जाती है और इसका ये गोल्डन कलर बिल्कुल बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आता है। और ये भी बहुत स्लो ग्रो करता है और ये मैं बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। मैं सच बताऊँ तो ये प्लांट काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है और ये भी मैं 100 रुपीज़ का लेके आई थी और इसकी मैंने कई कटिंग्स लगाई थी, लग भी गई थी,
बट मेरी ही गलती की वजह से, क्योंकि वो धूप, मैंने हैंगिंग बास्केट में वो कटिंग्स रिपोर्ट कर दी थी और उसके बाद में उसमें धूप लगती, काफ़ी तेज़ लगती थी, तो जिसकी वजह से वो प्लांट ख़राब हो गया है। तो इस ये गलती आप बिल्कुल ना करें, इसको ऐसे एरिया में रखें, थोड़ा शेमी शेड एरिया हो, हल्की फुल्की धूप इसको लगती रहेगी तो ये अपना अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और तीसरा है ये नॉर्मल पोथोस, जो आपको मोस्टली हर घरों में देखने को मिल जाता है और ये बहुत ही प्यारा लगता है और इसका भी वेरिएशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, और ये देखिए इसका शेड कितना प्यारा है, और ये मैंने देखिए यहाँ पे हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है, जो कि इसकी बास्केट से नीचे तक आ गई है, तो इसको भी ग्रो करना बहुत ईजी होता है। और अब इसी का ये देखिए, मैंने जो इसके साथ किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये देखिए, अभी नॉर्मल ऐसे ही प्लांट था और इसके लीव्स देखिए और लीव्स का साइज़ देखिए, और इसको देखिए, इसके पत्तों का साइज़ देखिए आप कितना बड़ा है, मेरे पाम से भी काफ़ी बड़ा है, और इनके लीव्स देखिए बहुत छोटे हैं। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसकी जब भी सॉइल तैयार करिए, बहुत ही वेलरेन सॉइल तैयार करिए, बहुत ही वेलरेन। ये देखिए मैंने इसमें लैंडाना की कटिंग्स लगा रखी है, क्योंकि इसकी सॉइल काफ़ी अच्छी है, मैंने कई कटिंग्स लगाई हुई हैं, और ये देखिए कटिंग मेरी लग भी गई है, इसमें देखिए लीव्स आने शुरू हो गए। तो इसकी सॉइल काफ़ी वेलरेन बनाइए कि उसमें पानी ना रुके, वरना इसकी जड़ सड़ जाती है। और इसको सपोर्ट देने के लिए आप ये मॉस स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, मॉस स्टिक ज़रूर लगाएं अगर आप मतलब इसको कहीं पे शो की तरह यूज़ करना चाहते हैं, शोपीस की तरह लगाना चाहते हैं। और मॉस स्टिक लगाने का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और मॉस स्टिक में जब आप पानी दे देंगे एक बार तो वो काफ़ी समय तक मॉइस्ट रहती है, और जो इसकी एरियल रूट्स होती हैं, देखिए ये एरियल रूट्स जितनी हैं इसी में जाती हैं, जिससे इनको मॉइस्चराइज़र मिलता रहता है और ये अच्छे से अपने को ग्रो और डेवलप कर पाती हैं। तो इसके लिए आप इसकी सॉइल को वेल ड्रेन बनाइए और कोकोपीट उसमें ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि वो अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो जिससे इसको मॉइस्चर मिलता रहता है और आपका प्लांट ख़राब नहीं होता है। और वही रेशियो रखी है, 1 part रेत, लेकिन इसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है, गार्डन सॉइल, और आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको 15 दिन में या महीने में एक बार DAP आप दे सकते हैं, और ये याद रखिए DAP कभी भी यहाँ नहीं देते हैं, DAP जब भी दीजिए आप इसको हल्के से गुड़ाई करिए और वहीं पे 8 से 10 दाने, आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि आप DAP कितना यूज़ करें एक पॉट के लिए। जिससे मेरा ये 12 इंच का गमला है, तो 12 इंच के गमले के लिए इससे 12 से 15 दाने या आप 12 दाने भी यूज़ करेंगे तो वो सफिशियंट है, और उसको ऐड करिए, उससे भी उसको पोषण मिलता रहेगा। और जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऐसे पत्ते आप भी अपने साधारण से मनी प्लांट में पा सकते हैं। तो इसमें आप क्या कहते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ओनियन का या बनाना पील का दे सकते हैं, और महीने में एक बार आप इसमें नीम खली तो इसकी सॉइल में आप ऐड करिए। मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, वो मैंने इसमें देती हूँ, मैं महीने में एक बार ज़रूर देती हूँ, अपने सारे प्लांट्स में लगभग देती हूँ। और लेकिन हाँ, वो थोड़ी हार्ड होती है तो उसको थोड़ा सा डायलूट करके ही दीजिए, और फिर आपको भी ऐसे ही बड़े बड़े पत्ते और शाइन, इनकी शाइनिंग देखिए, और मतलब ऐसे ही पत्ते आप वाला पौधा आपको, मेरे पास कई लोगों ने पूछा कि जो भी घर आते हैं तो बोलते हैं कि ये मैंने दोनों बगल बगल में पॉट रख रखे हैं, तो वो भी जो भी देखता है बोलता है एक में तो पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं, दूसरे में बड़ी हैं। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जो बड़े पत्तों वाला प्लांट दूसरा होता है, छोटे पत्तों वाला दूसरा होता है, तो बस मैं वही चेक करना चाहती थी कि क्या जो ये नॉर्मल मनी प्लांट होता है उसके भी पत्ते बड़े, जबकि देखिए मैंने इसको भी मॉस स्टिक में लपेट रखा है
और फिर भी ये मतलब उतना अच्छे से ग्रो नहीं किया। क्यों? इसमें इसकी मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा रिच मिट्टी मैंने इसकी बनाई है, और जो कि इसके पत्तों से नज़र आ रहा होगा। तो ये बात कर ले इसकी प्राइस की, तो ये प्लांट आपको नर्सरी में बहुत ही इजीली 20 to 50 या 50 के अंदर ही प्लांट आपको अवेलेबल हो जाएगा। और चूँकि ये कटिंग से भी बहुत ईजिली ग्रो होता है, तो मैं तो कहूँगी आप इसमें इसको परचेज़ करने में अपना पैसा मत वेस्ट करिए। कहीं से भी इसकी छोटी सी भी कटिंग मिल जाए, बस एक इतनी भी मिल जाएगी ना आपके एक रूट वाली, इसमें रियल रूट्स रहती हैं, बहुत जल्दी डेवलप करती हैं, बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो आप बस इसको ला के मिट्टी में दबा दीजिए और ये जल्दी से अपने रूट डेवलप कर लेगा और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो और अगर आप किसी पौधे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पौधे पर वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।